Welcome my dear students, I hope you all are fine at home. And now I am going to teach you about the chapter 2 numbers up to 10,000. Okay, तो standard 3 का हम अभी up to 10,000 number के बारे में discussion करेंगे. पिछले भाग में हमने 10,000 number के बारे में कुछ discussion किए थे, उसको कैसे हम place value chart में लिखेंगे वो भी discussion किए थे. एंड कैसे अबाकस में दर्शाएंगे उसके बारे में हम discussion किए थे. तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा और ज़्यादा हम डिस्कशन करेंगे 4-डिजिट नंबर के बारे में, उसको एग्जांपल लेके हम प्रैक्टिस करेंगे. तो आज का क्लास में मैं क्या करूँगा, हर तरीके का एग्जांपल लेके प्रैक्टिस हम करेंगे एक साथ मिलके. अभी तुम वीडियो को अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना 4-डिजिट नंबर के बारे में, ज़्यादा प्रैक्टिस करना. तो 4-डिजिट का पहला नंबर जो हुआ, पहला नंबर हम सबको मालूम है, तो 4-डिजिट का पहला नंबर 1000, जिसको हम 1000 पढ़ते हैं या 1000 पढ़ेंगे, उससे शुरू होता है. तो उसके आगे क्या जाएगा ना, 1000, 1001, 1002, 1003, ऐसा करके हम कहाँ तक लिखेंगे ना, 9999 तक. ऐसा है ना, 1000 से शुरू होकर 9999 तक 4-डिजिट का नंबर हमने लिखेंगे. और उसका प्रैक्टिस करोगे तुम घर बैठ के, उसका प्रैक्टिस कॉपी में करना. ओके, हम क्या करेंगे अभी इस भाग में, हम ज़्यादा और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस करने से क्या होगा ना, हम अच्छी तरीके से 4-डिजिट नंबर को इस्तेमाल भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं. पहले समझेंगे, बाद में उसका व्यवहार और यूज भी करेंगे. ओके, तो आगे जाएंगे. तो पहला हमने क्या करेंगे, अभी पहला एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, तो कुछ नंबर्स है उसका हम क्या करेंगे, हम जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें हम उसको दर्शाएंगे. ओके, तो राइट नंबर्स इन ईच. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में दर्शाएंगे. तो पहला नंबर हम ले जाएंगे इधर से 8563. अभी क्या हम लेंगे इधर से 8563, ये वाला 8563 हम अभी ले जाएंगे. ओके, यहाँ भी हम लिखेंगे 8563 लिखेंगे. ओके, तो 8563 लिखने से क्या होगा, अभी हम ये देखो, ये 4-डिजिट का नंबर है, ये 4-डिजिट का नंबर है. तो हम जो प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, राइट से लेफ्ट शुरू करते हैं. पहले राइट का जो होता है वो 1 प्लेस का हो गया, और बाद में 10 प्लेस का, और 100 प्लेस का, और जो 4 प्लेस हो गया ये हो गया हमारा 1000 प्लेस का. ओके, तो पहला हम नंबर क्या लिखेंगे, इधर 3 लिखेंगे, ये हो गया 6, एंड ये हो गया 100 प्लेस में क्या लिखेंगे, ये 5 हो गया ना, और 1000 प्लेस में ये लिखेंगे हम 8 लिखेंगे. हम उसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ना, 8500 या हम हो जाएगा 63 पढ़ेंगे. तो हम अच्छे से समझने के लिए हम कैसा क्या बोल सकते हैं ना, ये वो होगा हमारा 8500 6 10 3 1, ऐसे भी हम बोल सकते हैं. ओके, ऐसे बोलेंगे, लेकिन एक्चुअली हम पढ़ेंगे 8500. और 2-डिजिट का नंबर का हम कैसे पढ़ते, सब याद है, तो इसलिए हम इसको क्या पढ़े, 63. ओके स्टूडेंट्स, और अभी और एक नंबर का हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे, बी में कौन सा 4 हो गया. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करेंगे, इसका हम प्लेस वैल्यू चार्ट में दर्शाएंगे. तो पहला 1 प्लेस में कौन सा नंबर है हमको मालूम है, ये हो गया 4 हो गया. ओके, तो 10 प्लेस में कौन सा नंबर है, ये हो गया 3, एंड 100 प्लेस में कौन सा नंबर है, ये हो गया 9, और 1000 प्लेस में हो गया ये 2. अभी हम इसको पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे ना, 2000 प्लेस में है तो 2934, इस तरह पढ़ सकते हैं कि नहीं. तो बाकी जो 2 क्वेश्चन है उसका सवाल का जवाब तुम अपने खाता में लिख लेना, खुद प्रैक्टिस करना. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम तो बोलो मेरे को, तो वो 4-डिजिट का नंबर जो है ना, 4-डिजिट का हमारे पास जो नंबर होता है, 4-डिजिट का जो नंबर होता है शुरू कहाँ से होता है ना, 1000 से, एंड कहाँ तक होता है ना, 9999, ये आखिर वाला 4000 नंबर होता है. तो हम इस तरह बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4-डिजिट का, एंड ये हो गया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4-डिजिट, और लार्जेस्ट नंबर 4-डिजिट का सबसे बड़ा वाला नंबर ये हो गया. ओके,
आगे थोड़ा और एग्जांपल देंगे हम. राइट द न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अभी कुछ फॉलोइंग न्यूमेरल्स लिखा है, हमें उसका क्या करेंगे एक्चुअली नंबर्स में इसको लिखेंगे. न्यूमेरल्स का नेम लिखा हुआ है उसको नंबर एक्चुअली लिखेंगे. यहाँ देखो क्या हो गया ना, अभी लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या हो गया 4870. ओके तो 4870 हम किस तरह लिखेंगे, पहले हम ले 4 को लिख दिए तो 4000 हो गया, ये 800 हो गया. 70 का मतलब है 70 मालूम है ना, तो 7 कौन सा प्लेस में होता है, 10 प्लेस में होता है, इसलिए हम लिख दिया 7 10 एंड 0 1. स्टैंडर्ड 2 में ये डिस्कशन किया होगा 3 डिजिट तक, इसलिए कोई तकलीफ नहीं होगा शायद मुझे लगता है. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये 4870 10 0 1 हो गया. हम इसको किस तरह लिखेंगे ना, 4870 तो 4870 हो गया. और एक एग्जांपल देंगे, ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल हो गया 7306. इसको हम किस तरह लिखेंगे देखो, ये 7000 हो गया तो 7300 हो गया, 7300 तो 6 लिखा हुआ है. 6 मतलब 100 के बाद कौन सा प्लेस आता है, 10 प्लेस आता है, उसके बाद आता है 1 प्लेस, और 6 हो गया मतलब ये हो गया 6 1, मतलब 10 प्लेस में कुछ भी नहीं है. 10 प्लेस कुछ भी जहाँ नहीं होता है वो काम लिखते हैं मैथमेटिकली 0 लिखते हैं, इसलिए 0 10 एंड 6 1 लिखते हैं कि नहीं. तो क्योंकि ना इधर 10 प्लेस में कुछ भी नहीं है, मतलब 100 के बाद डायरेक्ट 6 आ गया, 6 हो गया हमारा 1 प्लेस में होता है, तो 10 प्लेस में कुछ नहीं है, तो मैथमेटिकल हम क्या लिखते हैं उसको, 0 लिखते हैं, तो 0 10. तो अभी 7306 हम लिखेंगे. ओके अब क्या लिख लिया ना, 7306 हो गया. ओके तो आगे जाएंगे ऐसा, ये वाला तुम खुद सॉल्व भी कर सकते हो. देखो 1000 ये हो गया 1026. 1026 किस तरह हम लिखेंगे ना, ये हो गया 1026 हो गया, मतलब 100 प्लस में कुछ लिखा नहीं है, तो हम कुछ नहीं लिखेगा तो मैथमेटिकल हम इसको क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं. तो 100 प्लस में कुछ नंबर ऐसा नेम नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख दिया 0 100 26 का मतलब मालूम है तुम सबको, 2 10s हो गया, एंड 6 का मतलब 6 1s हो गया, तो 100 प्लस में कुछ नहीं था इसलिए हमने 0 लिखा, 1026 हो गया 1026. इस तरह और एक क्वेश्चन का समाधान अपना खाता में हम कर सकते हैं. ओके ये देखो 3001 ये हो गया, 3001 का देखो 3001 3000, 100 प्लस में कुछ नहीं लिखा हुआ है इसलिए हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया. ओके कुछ नहीं का मतलब 0 है कि नहीं, तो 0 1 हो गया, तो आखिरी में 1 है, 10 प्लेस में भी कुछ नहीं है, इसलिए 0 10 लिखा, आखिरी में 1 1 लिख दिया, तो 3001. 1000 प्लेस में 3, एंड 100 प्लेस में कुछ नहीं है 0, 10 प्लेस में कुछ नहीं है इसके लिए 0, एंड 1 प्लेस में 1 है इसलिए 1 लिख दिया, 3001 हो गया हमारा. ओके दूसरा एग्जांपल में जाएंगे. अभी देखो ये अबाकस में हम क्या करेंगे, स्पाइक्स देकर, स्पाइक जो बीड है उसको देकर हम इसके नंबर्स लिखेंगे. ओके 1 इज डन फॉर यू. ये देखो यहाँ 1000 प्लेस में क्या है, कितना नंबर कितना बीड्स है, 1 2 3 4, तो हमने क्या लिख दिया 4 लिखा, पहले वाला क्या लिखा 4 हो गया. और 100 प्लेस में क्या है, 1 2 3 बीट से, इनमें 3 लिखा, 10 प्लेस में कितना है 1 हो गया. ओके तो 1 प्लेस में कितना है 5 है, इसलिए हमने 5 लिख दिया. ओके टोटल कितना हो गया देखो ना, हमें इसको किस तरह पढ़ेंगे ना, 4300 प्लस में 3 है 300 1 10 5 1 10 5 5 1 मतलब हो गया 15, तो 4315 हो गया ये टोटल. इसका हम इस तरह लिख सकते हैं 4315 भी लिख सकते हैं. ओके अभी ये देखो नंबर तुम लिख लेना, मैं तो इसको सिर्फ उसका नंबर लिख देता हूँ, नंबर का नेम तुम खुद लिख लेना. ओके ये देखो 1000 प्लस में कौन सा है, 1 है, 1000 प्लस में 1 है कि नहीं, 1 बिट्स है कि नहीं, स्पाइक में 100 का जो स्पाइक है उसमें कितना है बिट्स, 3 है, तो हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे. और 10 का जो प्लेस है उसका स्पाइक बीट कितना है ना, 2 है, तो ये कितना हो गया 2 हो गया. और ये वाला काउंट करो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया. तो हम इधर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, 1 प्लस में कितना है 7 है, टोटल नंबर कितना हो गया ये ना 1327 हो गया, क्या हो गया
1327। हम जिस तरह पढ़ते हैं बस वैसे ही तरह हम क्या करेंगे उसका नंबर का नेम लिखेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स आगे जाएंगे, अभी इसका भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। ये देखो 1000 प्लस में क्या है, 1000 प्लस में 3 बिट्स है, इसलिए हमने क्या लिखा इधर लिखेंगे। ओके इधर हम लिखेंगे ये हो गया 3। और 100 प्लस में क्या है, 1 बिट्स है, इसलिए हम लिखेंगे उधर 1 लिखेंगे। ओके इधर हम लिखेंगे 1 लिखेंगे। ओके ये तो 1 लिख दिया हमने। और 10 प्लस में कुछ है क्या, बिट्स नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है मतलब मैथमेटिकल 0 हो गया। और 1 प्लस में हो गया 1 2 3 4 5 हो गया, तो टोटल नंबर कितना हो गया 3105। ओके आगे भी जाएंगे, ये सब आपने प्रैक्टिस करोगे। अभी देखो हम क्या करेंगे, उधर कुछ चिन्ह से इधर हम स्पाइक में उधर दर्शाएंगे। अभी नंबर्स लिखा हुआ है स्पाइक में दर्शाएंगे। देखो पहले ये वाला के सॉल्व कर लेते हैं हम। ये देखो कितना लिखा हुआ है, नहीं ये लिखा हुआ है 2134 मतलब 2134। तो 4 प्लेस में 1 प्लेस में क्या है, 4 है, इसलिए हम क्या इधर लिखेंगे 4 बिट्स मेकिंग 4 बिट्स ड्रॉ करेंगे। और 10 प्लेस में क्या है, 3 है, कितना बिट्स क्रिएट करेंगे, 3 बिट्स क्रिएट करेंगे। और 100 प्लस में 1 बिट, और 1000 प्लस में 2 बिट। ओके और एक एग्जांपल देख लो, ये 3041 का 1 प्लस में 1 है, इसलिए हम क्या करेंगे इधर 1 बिट्स क्रिएट करेंगे। और 10 प्लस में 1 2 3 4 बिट्स। और 100 प्लस में कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे, उसको खाली छोड़ देंगे। और 1000 प्लस में 1 2 3 हो गया इसका। ऐसा तुम बाकी का क्वेश्चन का सॉल्व भी कर लेना। तो ये क्या है, ये कुछ क्वेश्चन से उसका नेम है लिखा है, हमें उसका नंबर का नंबर लिखेंगे। ओके नंबर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स अभी लिखते हैं, देखो ये क्या हो गया 6000, ये क्या हो गया 6237। तो 6000 ये हो गया 6200 237। तो 37 हम सब क्या 37 हो गया 37। तो 8592 ये देखो हम दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर करेंगे, 8000 ये हो गया 8500। तो 100 प्लस में 5 लिखेंगे। और 92 हो गया, इस तरह हम लिखेंगे इस नंबर का हो गया 8592 का। और एक क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो 1379 इसका हम सॉल्व करेंगे अभी 1379 हो गया। अब इसका देखो सॉल्व करता हूँ 5980। तो 5000 ये हो गया 5000, 100 प्लस में 980 इस तरह हम लिखेंगे, 80 हो गया 80। इस तरह तुम बाकी का प्रैक्टिस कर लेना। ओके फ्रेंड ओके स्टूडेंट्स अभी थोड़ा ये देखो, फिल इन द बॉक्सेस द मिसिंग डिजिट्स वन हैज बीन डन फॉर यू। ये आप लिए ये देखो मैं एक बता देता हूँ, बाद में तुम प्रैक्टिस कर लेना, बाकी का सब एक्सरसाइज का प्रैक्टिस कर लेना। ओके ये देखो 3578 का, तो 1000 प्लस में क्या आएगा, 3 आएगा, ऑब्वियसली 1000 प्लस में आएगा ये 3 आएगा। तो 100 प्लस में देखो 5 लिखा हुआ है, इसलिए 500 लिखेंगे। 10 प्लस में 7 है, इसलिए 7 टेंस लिखा हुआ है हमने। इधर 1 प्लस में 8 है, इसलिए 8 लिखा हुआ है। ओके तो आगे इस तरह हम आंसर कर सकते हैं कि नहीं, देखो 5347 हो गया। एंड ये 7206 का पहले हम बी का करेंगे, क्वेश्चन बी का देखो 1000 प्लस में क्या लिखेंगे हम, इधर 5 लिखेंगे, क्योंकि 5 है, 1000 प्लस में 5 है, 100 प्लस में 3 है। और 4 हो गया, 4 टेंस एंड ये 7 1 हो गया। ओके यहाँ देखो देखो 7206 लिखा हुआ है, तो 1000 प्लस में हो गया 7, 100 प्लस में हो गया 2, 10 प्लस में 0 है, तो हम 0 ही लिखेंगे, 0 10 6 1। ओके इस तरह तुम आगे का प्रैक्टिस कर लेना। ये देखो नंबर का कुछ सीरीज दिया हुआ है, 3 नंबर सीरियल लिखा हुआ है, तुम आगे वाला नंबर 4 नंबर लिखोगे। जैसे मैं पहला वाला लिख लेता हूँ। ओके ये वाला देखो क्वेश्चन ये का 5077 मतलब 5077 5078 5079 है कि नहीं। तो आगे वाला क्या होगा, 79 के बाद क्या आता है, 80 आता है, तो आगे हो जाएगा 5080। उसके बाद क्या आएगा 5081, उसके बाद क्या आएगा 5082,
इसके बाद क्या आएगा 5083। उस तरह तुम क्या करोगे, जो बाकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर सीरियली तुम लिखोगे। देखो इधर देखो, यहाँ जैसे हो गया 7297, 7297, 7299, तो आगे क्या होगा 7299 होगा। इस तरह तुम आगे एक एक करके आगे जाओगे, जिस तरह हम नंबर इतना प्रैक्टिस किया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।